रामनवमी में प्रयागराज की दोनों संसदीय सीट की बीजेपी महिला प्रत्याशी मंदिर के दर्शन को पहुंची और जीत की प्रार्थना की। इलाहाबाद सीट की बीजेपी प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी जहां काली मंदिर पहुंची, वहीं फूलपुर संसदीय सीट की भाजपा प्रत्याशी केसरी देवी पटेल भी आलोपिन देवी मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचते ही केसरी देवी पहले वोट मांगती दिखी और दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में कार्यकर्ता श्रद्धालुओं के सामने भाजपा भाजपा रटते नजर आई। केसरी देवी पटेल ने माता से मोदी की जीत की प्रार्थना की। आप मंदिर दर्शन को लेकर आई थी, क्या मांगा आपने? हमने मांगा आपके देश के ऐसे प्रधानमंत्री कि जिस तरह उन्होंने 5 साल विकास के चारों तरफ इतना विकास किया कि 5 साल उन्हें और मौका दिया जाए, जो सबके लिए बारे में सोचते हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, महिला हो, सबके बारे में उन्होंने सोचा, सबके लिए काम किया। हम लोग पुनः यही मान्यता करते हैं वहाँ से शक्तिपीठ माँ से कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री। किस मंदिर में दर्शन किया आपने? अलोक संतरी माँ, अलोक संतरी माँ सच्चे दरबार। तो लोगों से आप मिल भी रही हैं? जी। किस तरह से लोगों से अपील कर रही जोड़ने की? मैं यही अपील कर रही हूँ कि मोदी जी ने महिलाओं के मान सम्मान के लिए, हम सबके मान बढ़ाने के लिए उन्होंने इलाहाबाद में देखिए दोनों सीट पर महिला उतारा, और महिलाओं के लिए गैस, महिलाओं के लिए पेंशन, वृद्धा पेंशन, महिलाओं के लिए टॉयलेट, बहुत सारे काम किए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे मौका देना चाहिए कि पुनः देश का, देश की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया। चुनाव के वक्त देश के बड़े नेताओं के मंदिर जाकर पूजा करने के सिलसिले लगातार चलते नजर आ रहे हैं। अब इस लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी भी मंदिर मंदिर घूमकर जीत की दुआ मांग रहे हैं। अर्थ 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल केसरवानी।